नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जरूरी है। मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार के छोटे से जिला लखीसराय के प्रखंड में आया हूं। यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम श्रृंगी ऋषि है। इसका कहानी रामजुग की है। महाराज राजा दशरथ के समय से है। ये मंदिर ऐसा माना जाता है इस मंदिर के बारे में कि महाराज राजा दशरथ ने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे। उसके बाद यज्ञ करने के पश्चात राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, भरत का जन्म हुआ था। यहाँ का चारों तरफ जंगल है। जंगलों के बीच में ये मंदिर स्थित है। उसके बाद छोटा मोटा यहाँ पर बाजार चलता है, जिसका कारण थोड़ा सा दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से हालांकि आते हैं। हालांकि यहाँ का कोई रोड बढ़िया नहीं है, लेकिन जैसा भी है वहाँ छोटा गाड़ी आने के लिए ठीक ठाक है। यहाँ छोटा छोटा झरना है, छोटा छोटा मंदिर है। एक कुंड है, इस कुंड में लोग काफ़ी स्नान कर रहे हैं, जिसमें कोई प्रोटोकॉल का ना तो कोई महिला का है ना तो, लेकिन जैसा भी है दोस्तों, लेकिन चलिए ठीक है। बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके चलते यहाँ का शायद सरकार के पास इसका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ हो। लेकिन ये मंदिर का अगर मैं यहाँ का स्थानीय लोगों से बात भी किया तो यहाँ के बारे में पता चला कि इस मंदिर का उल्लेख रामायण में भी है, लेकिन ये पता नहीं क्या है नहीं है। और यहाँ का मंदिर भव्य पुराना है, प्राचीन काल से मंदिर है। बाबा हिंग का प्रतिमा है जो कि हमारे इस कैमरा में अभी आ रहे हैं। मंदिर है, मंदिर के अंदर आइए चलते हैं। मंदिर के हम अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ का। यहाँ देखिए शिव भगवान का मंदिर है और गणेश जी का मंदिर है और बगल में माता पार्वती जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है यहाँ की कि यहाँ रामायण में इस मंदिर का उल्लेख किया हुआ है। आइए जानते हैं, पंडित जी हैं और इनसे जानते हैं कि इस मंदिर का मतलब क्या व्याख्या रहा है, क्या प्राचीन रहा है। थोड़ा सा ये पुरानी स्थल है जो कि इनका नाम श्रृंगी ऋषि धाम के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ लोग मन्नत के लिए आते हैं, जो भी मांगते हैं यहाँ पर उनका यहाँ मन्नत पूरी होती है। तो कहावत में है जो कहते हैं जो करहीं धन पुत्र के आशा ऊ पहुँचें श्रृंगी ऋषि के पासा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो भी आते हैं, जो भी मन से धन हो, पुत्र हो, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, जो भी चीज़ चाहिए मन्नत के लिए यहाँ आते हैं लोग, मांगते हैं, उनका पूरी होती है। जैसा कि आप लोग ने देखा कि आप लोग आइए लखीसराय, बिहार के लखीसराय छोटे से जिला सूरजगढ़ा प्रखंड में पड़ता है और यहाँ श्रृंगी ऋषि के नाम से मंदिर है। और आप तमाम श्रद्धालु हों, आप यहाँ आएँ और अपनी मन्नत यहाँ मांगे, जरूर पूरा होता है। ऐसी मान्यता यहाँ की है। यहाँ की मंदिर प्राचीन काल से स्थित है। लेकिन यहाँ बहुत सारा बंदर भी है जो कि यहाँ के राहगीरों को बहुत परेशान भी करती है। छोटा छोटा बाजार भी है। यहाँ पूजा करने के लिए छोटा छोटा मार्केट है, जिसके चलते यहाँ का दृश्य और सुहावना लगता है। लोगों का भीड़ यहाँ अक्सर आते जाता रहता है। थोड़ा हाँ अभी थोड़ा सा कमा है, लेकिन सोमवार और सावन के जितने भी सोमवार आता है उसमें बहुत मान्यता और बहुत भीड़ रहती है। और ख़ास करके किसी भी पूर्णिमा को, साल में जितने भी पूर्णिमा होता है यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है। तो आप कहीं भी हो एक बार यहाँ आइए, दर्शन करें और यहाँ का भगवान का दर्शन करें, यहाँ का प्रसाद। और यहाँ सबसे प्रसिद्ध क्या है, यहाँ खिचड़ी। यहाँ खाना में खिचड़ी बनाया जाता है। यहाँ सारे लोग यहाँ खिचड़ी ही बना खाते हैं। हालांकि कुछ लोग मैं देखा हूँ कि कुछ चावल दाल ये वगैरह कुछ खाए हैं, लेकिन 80% लोगों को मैंने देखा कि यहाँ सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं। यहाँ का मान्यता ही है कि यहाँ सिर्फ खिचड़ी खाने का मान्यता है। श्रृंगी ऋषि का, यह है श्रृंगी ऋषि का कुंड जिसमें लोग काफ़ी सारा स्नान करते हैं। यहाँ का मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद ही महादेव शिव शंकर को और श्री गणेश को और माता पार्वती को अभिषेक किया, जल का अभिषेक किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे खूब सारे लोग मस्ती भी कर रहे हैं। इधर कुछ महिला का भी है और उधर कुछ पुरुष का भी है, लेकिन यहाँ का कोई पुरुष महिला का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, जिसके चलते महिला लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन ये मंदिर बहुत सुंदर जगह है, बीचों बीच जंगल है और बहुत शांति जगह है, भीड़ भी काफ़ी रहता है और यहाँ हर एक चीज़ का सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सुहावना जगह है। आप लोग जहाँ भी हों एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ आएँ और यहाँ का नज़ारा देखें। खूबसूरत प्रकृति का गोद में बसा यहाँ इस मंदिर श्रृंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर आप लोग जरूर आएँ, देखें यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।